मुरादाबाद विकासखंड मुड़ा पांडे अक्कर डेलारी में हुए विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे एडीओ पंचायत नरेश सिंह ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में बताया कि ग्राम पंचायत अक्कर डेलारी में वर्ष 2017-18 में किए गए कामों की जांच की गई और नए कामों की कार्य योजना ग्राम सभा के सदस्यों की एक मत में नए कामों को शुरू करने का एजेंडा तैयार किया गया, जिससे गाँव के अंदर सही तरीके से विकास हो सके, जिसमें सरकारी स्कूलों को सुंदर आकर्षक बनाया जाए और स्वास्थ्य केंद्रों पर भी गांव के लोगों को समय पर इलाज मिल सके, तो दूसरी ओर गांव को स्वच्छ बनाने के लिए सीसी टाइलों से रोड बनाया जाए जिससे गांव के अंदर गंदगी कीचड़ समाप्त हो। कडलारी ग्राम पंचायत से आज जो है गांव पंचायत की जो थी मीटिंग थी, विकास कार्यों के बारे में जो है कार्य योजना की जो है तैयारी करी जा रही है, मेम्बरों को बुलवाया गया था और बाकी जो स्कूल के जो मास्टर वगैरह हैं सबको बुलवा था हमने, आंगनबाड़ी आशा लेखपाल सबको बुलवाया, उनके सारी जो है भूजा गया जो की समस्या जिसकी यकीन काम है किसी का वो सबको सुनी गई। क्या विकास कार्यों में गांव के जो सदस्य हैं वो संतुष्ट हैं आपके? सब सहमत हैं, हमारा काम ही बहुत सही है, मतलब कहीं कोई शिकायत नहीं है हमारी ग्राम पंचायत में। अब आगे गांव को आगे ले जाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? आगे के लिए हम जो है एक तो अपने एक शमशान घाट की जो है बहुत परेशानी है, शमशान घाट होना बहुत जरूरी है, एक अगर स्वास्थ्य केंद्र और हो तो वो मिल जाए, एक हमारी जो है जो किसानों के लिए बहुत ही है उसमें जो एक बैठक करने के लिए चमत्कार के लिए काम कर रहे हैं अगर वो मिल जाए तो, और बाकी दो गांवों में आंगनवाड़ी केंद्रों की जो है वो है। अच्छा, आज ब्लॉक से कितने अधिकारी मौजूद रहे इस सभा के अंदर? एडीओ पंचायत थे, हमारे सेक्रेटरी जो हैं वो भी थे और भी एक दो लोग थे, बाकी और सब गांव पंचायत के मेंबर थे हमारे। ग्राम पंचायत अक्कर डेलारी में मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश और आदेश अनुसार, जिला पंचायत अधिकारी के महोदय के आदेश अनुसार यहाँ खुली बैठ के वर्ष 19-20 की कार्य योजना बनाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई थी। क्या इसमें नए कार्य की समीक्षा की जाती है पुराने विकास कार्य? गत वर्ष के जो कार्य हुए हैं उनको पढ़ के सुनाया जाता है और जो यहाँ गांव के लोग होते हैं, खुली बैठक का मतलब ये गांव के लोगों से फीडबैक लिया जाए क्या कार्य प्राथमिकता के स्तर पर होंगे।